Hello everyone. Our next topic is De Morgan's theorem. Okay, so De Morgan's theorem, it's a important methodology which is totally based on your Boolean algebra. Okay, in which NAND or negative OR gates या फिर equivalence NOR that is negative AND gates हम लोग इसमें discussion करने वाले हैं. किस तरह से इनका काम होगा वो आप लोगों को यहाँ पर check करना. Okay. So, De Morgan's stated the two theorem, उन्होंने दो theorem यहाँ पर define किए थे De Morgan's के. The De Morgan's first theorem is stated as follows. The complement of product of variable is equal to the sum of the complements of variable. Simple से याद रखो, the complement of product is equal to the sum of its complement. Sum of its complements, okay? Complements of variable. Wording पूरा लिखो तो याद रह जाएगा. And another theorem is that इसको अलग से हम लोग किस तरह से define कर सकते हैं. The complement of two or more ANDed variables. Okay. Complement of two or more ANDed variable. ANDed देखो. Complemented variable is equivalent to the OR of the complements of the individual variable. OR मतलब addition of the two individual complement variable. ओके तो इस तरह से भी लिख सकते हैं. ये हो गया आपका फर्स्ट. तो x इंटू वाई होल बार इज इक्वल टू x बार प्लस y बार. इसको a इंटू बी होल बार इज इक्वल टू a बार प्लस b बार भी आप लोग लिख सकते हो. ओके द सेकंड थ्योरम स्टेट दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ वेरिएबल. ओके या फिर अदर वे बताया उन्होंने, कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू और मोर ऑड वेरिएबल, ऑड टू और मोर ऑड वेरिएबल इज इक्विवेलेंट टू द एंड ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ इट्स इंडिविजुअल वेरिएबल. गलती नहीं करना है. फर्स्ट थ्योरम एक्स इंटू वाई होल बार इज इक्वल टू एक्स बार प्लस वाई बार, और दूसरा थ्योरम है एक्स प्लस वाई होल बार बिकम्स एक्स बार इंटू वाई बार. ए इंटू आप लोग लिख सकते हो, ए और बी यूज कर सकते हैं आप लोग. ठीक है, तो ये फर्स्ट थ्योरम है, ये सेकंड थ्योरम है. दोनों में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. आप लोग यहाँ पर इसको फर्स्ट और इसको सेकंड नहीं करना है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. ठीक है, सो एज अ स्टेटेड हम लोग इसमें एक्सप्रेशंस में ये अप्लाई कर सकते हैं टू सिंप्लीफाई और टू गेट द सिंप्लीफिकेशन बाय यूजिंग द वेरियस बुलियन अलजेब्रा. ओके, तो थ्री वेरिएबल फोर वेरिएबल एक्सप्रेशंस हम लोग नॉर्मली इससे सॉल्व कर सकते हैं. तो ये है हमारा प्रूफ है. यहाँ पर देखिए प्रूफ किस तरह से है. x इन y इज गिवन टू यू, x इंटू वाई होल बार, x इंटू वाई होल बार ये ट्रूथ टेबल दिया है. तो 0 इंटू 0 0 उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1 बन जाएगा. x इंटू वाई बिकम 0 और उसका कॉम्प्लीमेंट 1. 0 इंटू 1 0 कॉम्प्लीमेंट 1. 1 इंटू 0 0 कॉम्प्लीमेंट 1. 1 इंटू 1 1 कॉम्प्लीमेंट 0. तो ये आपका x इंटू वाई होल बार बन गया. अब नाउ देखो x complement 1 plus 1 become 1, 1 plus 0 become 1, 0 plus 1 becomes 1, and 0 plus 0 becomes 0. क्योंकि x और x bar और y bar दिया है, तो x की value 1 थी वो 0 0 हो जाएगी. 0 0 0 plus 0 0. तो ये है आप लोगों को, since अगर पूछा जाता है तो आप लोग diagrammatical point of view भी explain कर सकते हो. ये आप लोगों को explanation देना है. कोई NAND गेट है, देखो ये NAND गेट x इंटू वाई होल बार, ये NAND गेट हो गया. और तो ये हो गया NOR गेट का ऑपरेशन. तो ये यहाँ पर आप लोग इसको बबल भी कर सकते हो, या फिर इसको पहले निगेटिविटी अप्लाई करनी है, या फिर NAND NOT गेट अप्लाई भी कर सकते हो, या बबल दिखा कर आप लोग दिखा सकते हो कि ये x बार है ये y बार है. तो इनका एडिशन होने के बाद x बार प्लस y बार हमारा जनरेट हो रहा है. सेम टू सेम यहाँ पे इनवर्स है, जो दूसरा हम लोगों का है उसी तरह है. ये NOR गेट है और इसका हम लोगों ने क्या किया, फिर complement of x and y are ANDed together. Okay, so this is how the Boolean De Morgan's theorem works. अब इनको simplification कैसे करना है देखना है. x into y into z bar, अब तीन variable दिया है आप लोगों को, तो इसका value क्या आएगा आप लोगों का finally, x bar plus y bar plus z bar. और अगर आप लोगों को ये दूसरा theorem दिया जाता है x plus y plus z whole bar becomes, तो आप लोगों को distribution में करना क्या है, हर एक को इंडिविजुअली कॉम्प्लीमेंट असाइन करो और जो साइन है उसको चेंज करो. अच्छा, साइन है उसको चेंज करो. देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पे एडिशन हो गया, यहाँ पे एडिशन था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो गया. ओके,
अब इस एग्जांपल को आप लोग सॉल्व करेंगे। इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये एक्स बार बार जो है एक्स बार बार इंटू वाई बार बार इंटू जेड बार बार, तो आप लोगों की वैल्यू क्या बन जाएगी, बार बार कैंसिल होने के बाद एक्स इंटू वाई इंटू जेड, तो ये आप लोगों का फाइनल एग्जाम्पल बन जाएगा। नाउ यहाँ पे देखो किस तरह से दिया है, अनदर एक्सप्रेशन इज गिवन टू यू, डब्ल्यू इंटू एक्स इंटू, ये फोर वेरिएबल का है, तो डिमॉर्गन्स थ्योरम का यूज करके आपको ये सिंप्लीफाई करना है। तो आपको ऑल द कंसेप्ट यहाँ पे प्रॉपरली पढ़ने पड़ेंगे, यू हैव टू गो फॉर इट, फॉर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, फॉर टू गेट द फुल मार्क्स, फुल मार्क्स लेने के लिए आपको ये प्रॉपरली सॉल्व करना होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ए प्लस बी इंटू सी बार होल बार प्लस डी इंटू ई प्लस एफ बार होल बार और उसका होल बार, ओके होल बार किया है। अब कंसिडर करो कि ए प्लस बी इंटू सी बार को हम लोगों ने एक्स कंसिडर किया है और डी इंटू ई प्लस एफ बार बार को हम लोगों ने वाई कंसिडर किया है, ओके तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये होल टर्म बिकम्स एक्स, ये होल टर्म बिकम्स वाई, सो एक्स प्लस वाई होल बार, सो एक्स प्लस वाई होल बार बिकम्स क्या हो जाएगा आपका, एक्स बार इंटू वाई बार, एक्स बार इंटू वाई बार, ओके तो एक्स की वैल्यू में क्या आ जाएगा, एक्स एक्स को हम लोग सिर्फ रिप्लेस करेंगे, ए प्लस बी इंटू सी होल बार बार डी इंटू ई प्लस एफ बार इंटू होल बार, ओके तो ये अलग से हो गया। नाउ ए इंटू ए बार, ये दोनों बार है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब इनमें यहाँ पर सिर्फ नीचे क्या बचेगा, ए प्लस बी इंटू सी होल बार बचेगा, ओके ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही चेक करना है, यहाँ पे आप लोगों को इनपुट में दिया है तो इनपुट में आप लोगों को ये सॉरी, यहाँ पे आप लोगों को ये बार बार कैंसिल नहीं हो रहा था तो इसको एज इट इज रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो दो इक्वेशन है इनको अभी आप लोग सेपरेट करेंगे, ठीक है इनको सेपरेट करना है, कैसे सेपरेट करेंगे, इसका जो ये ऊपर का बार है इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, बुलियन लॉजिक यूज करना है, ये मल्टीप्लीकेशन टर्म है, ठीक है ए इंटू बी होल बार ऐसे कंसिडर करो, ए इंटू बी होल बार, तो अगर ए इंटू बी होल बार लिखा है मतलब क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार, तो ये डी बार आप लोगों का बन गया प्लस ये जो टर्म थी आपकी बी उसको हम लोगों ने कंसिडर कर दिया और उसका होल बार का यहाँ पे निकाल दिया, तो ये यहाँ पे दोनों बार कट हो जाएंगे और फिर जो आप लोगों का वैल्यू बचेगा कुछ इस तरह से आप लोगों को वैल्यू शो करनी है, ए प्लस बी इंटू सी बार इन ब्रैकेट डी बार प्लस ई प्लस एफ बार, तो ये आप लोगों का फाइनल आंसर यहाँ पर शो हो जाता है। ओके जो सिंप्लीफाई है वो सिंप्लीफिकेशन के तौर पे जाना चाहिए, ठीक है कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स आर गिवन टू यू, जस्ट गो फॉर इट एंड सॉल्व ऑल द नेसेसरी एग्जाम्पल फॉर योर प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सी ओवर योर सोल्यूशन ऑल्सो गिवन टू यू, ओके आई हैव ऑलरेडी पास दिस ऑन गूगल क्लासरूम और व्हाट्सएप पे भी मैंने ये पूरे भेज दिए हैं, सो एवरी वन गो फॉर इट and keep practicing.